Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी। हाँ जी, इंशाल्लाह आपके केस का नतीजा भी बहुत जल्द आएगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं आप? कितनी देर से कॉल कर रही हूँ मैं। सफिया, मैं ऑफिस में ही हूँ। आज कोर्ट में एक बड़ा केस मैंने जीता है और उसी की खुशी में मेरे चाहने वालों की मुबारकबादियों के फोन कॉल आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी कॉल नहीं ले सका भाई। आज कोर्ट में सच जीता है या झूठ? अरे भाई सफिया, तुम खुश नहीं हो क्या मेरी कामयाबी से? एक यतीम और बेवा को उसका हक दिलाने के बजाय। एक मिनट, तुम मीडिया की बातों में आकर अपने ही शोहर पर बेईमानी का इल्जाम लगा रही हो सफिया। खैर, आज आपने बेटी और दामाद को खाने पे बुलाया है, वही याद दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया है। ठीक है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज शहर के सबसे बड़े जर्नलिस्ट मिर्जा नेमत अली इस गरीब वकील के ऑफिस में। क्या हुआ भाई, इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? नेमत, तुम अगर एक दोस्त की हैसियत से आए हो तो मिठाई तैयार है, और अगर एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आए हो तो। जरी फातिमा का केस सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं हुआ क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी का केस है, बल्कि इसलिए भी मशहूर होता गया क्योंकि वसीम यार खान ने अपने मरहूम चचा शेर यार खान की उस प्रॉपर्टी पर दावा किया जो शेर यार खान को उनके ससुर यानी कि जरी फातिमा के नाना से मिली थी, और उस पर पहला हक उनकी बेटी जरी फातिमा का होना चाहिए, ना कि उसके चचाजाद भाई वसीम यार खान का। अरे यार नेमत, बस भी करो, हम कोर्ट में नहीं हैं। वकील साहब, आप सच्चाई जानते हैं, फिर भी आपने वसीम यार खान का यह केस ले लिया और सिर्फ 5 ईयरिंग्स में उसे केस जितवा भी दिया। जरा सोचते आप, अगर वसीम यार खान ये केस जीत जाता तो वो गरीब बेवा कहां जाएगी, और ऐसे ही हुआ, वो केस जीत गया सिर्फ आपकी वजह से। कोर्ट में जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती नेमत अली साहब, सबूत देने पड़ते हैं, कानूनी दांव पेच लाने पड़ते हैं, और यही मेरा पेशा है। ये केस मैंने बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से जीता है, जिसके लिए कई कई साल तक कानून की स्टडी की है मैंने, शायद ही कानून की कोई किताब छूटी होगी मुझसे। माना के कानून की सारी किताबें पढ़ी हैं आपने, अगर अल्लाह के कानून की किताबें पढ़ लेते तो एक बेवा के साथ ये नाइंसाफी हरगिज नहीं होने देते आप। मतलब ये कुरान मजीद अल्लाह के कानून की किताब, रेफरेंसेस दूं आपको, अल कुरान अल हकीम सूरह नंबर 5 आयत नंबर 8, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 58। पढ़कर देखिए एक बार वकील साहब। ए लोगों, जो ईमान लाए हो
अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ के गवाही देने वाले बनो। किसी गुरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्ताइल न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी से ज्यादा मुनासिबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी व बेहयाई और जुल्म व ज्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। ए लोगों, जो ईमान लाए हो इंसाफ के अलमबरदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो। अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी जात पर या तुम्हारे वालदेन और रिश्तेदारों पर ही क्यों न पड़ती हो। फरीके मामला खाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका खैर खा है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज न रहो। अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं आप? बेटी और दामाद घर पहुँच गए हैं? कुछ वक्त में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? जी मैं एडवोकेट हबीब दुर्रानी बोल रहा हूँ। जी बोलिए, अब क्या चाहिए आपको? बहुत जुल्म हुआ आपके साथ, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, हाई कोर्ट में मैं आपका केस लड़ूंगा। लेकिन मैं आपकी फीस नहीं दे पाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर, मैं कल ही आपके ऑफिस आकर आपसे मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।